आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है, आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं, इसीलिए इस संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए, आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े, आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही। वो कहते हैं आप वनवासी हो, वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं, आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं।